नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। और आज हम बात करने वाले हैं क्रेटा के कुछ बेसिक सेटिंग्स के बारे में, जिनको जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है अगर आप एक बिगनर हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा डॉकर्स के बारे में, डॉकर्स क्या होते हैं। जैसे आपका ये एडवांस कलर सिलेक्टर है, ये आपका एक तरह का डॉकर है। और जैसे ये टूल ऑप्शंस है, ये भी एक तरह का डॉकर है। उसी तरह से ये लेयर्स का पैनल है, नीचे ब्रश प्रीसेट्स दिए गए हैं, ये सभी क्या है, अलग अलग तरह के डॉकर्स हैं। तो कई बार क्या होता है कि जब हम ड्राइंग कर रहे होते हैं तो गलती से हमसे ये डॉकर्स क्या है, क्लोज़ हो जाते हैं, और फिर हमें ड्राइंग करने में कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। और जब आपके साथ ऐसा हो, क्रीता के इस इंटरफेस में से आपका कोई डॉकर यहाँ से क्लोज़ हो जाए, तो आप उसको ओपन कर सकते हैं सेटिंग्स में जाकर। फिर यहाँ पे आपको डॉकर्स का ऑप्शन दिया गया है। जो एडवांस कलर सिलेक्टर का डॉकर था वो क्लोज़ हो गया है, तो मैं यहाँ से उसको ऑन कर सकता हूँ। इसी तरह से आपका ये टूल ऑप्शंस का डॉकर है, जैसे आपसे क्लोज़ हो जाए गलती से या ब्रश के प्रीसेट्स क्लोज़ हो जाए, तो आप इन डॉकर्स को जो है सेटिंग में जाकर डॉकर्स वाले पैनल से आप इसको दोबारा से ऑन कर सकते हैं। जैसे टूल ऑप्शंस, ये देखिए अब टूल ऑप्शंस का डॉकर इसमें वापस आ गया है, और सेटिंग्स डॉकर्स में, और एक ब्रश प्रीसेट का डॉकर जो है, ये देखिए तमाम तरह के डॉकर्स की लिस्ट आपको यहाँ पे दी हुई है। हर एक डॉकर का अपना एक अलग फंक्शन, अपनी कुछ अलग सेटिंग्स हैं। और अगर आप चाहते हैं कि आपका ये जो इंटरफेस है ये दोबारा से कंप्लीट रीसेट हो जाए, अगर कुछ गड़बड़ हो गई है, या आप सेटिंग्स में जाकर रीसेट ऑल सेटिंग्स पे क्लिक करेंगे, तो क्रीटा जो है आपके लिए बिल्कुल नीट एंड क्लीन उसी तरह से आ जाएगा जिस तरह से आपने जब शुरू में इसको इंस्टॉल किया था, और जैसा आपको इंटरफेस क्रीटा का दिख रहा था उसी तरह से। अब उसके बाद बात करते हैं ब्रश के प्रीसेट्स के बारे में। तो देखिए यहाँ पर जो ये ब्रश के प्रीसेट्स दिए हुए हैं, जब हम क्रीटा इंस्टॉल करते हैं तो हमें कुछ ब्रश के प्रीसेट्स मिलते हैं। इन बंडल्स के अंदर अलग अलग तरह के जो है आपके ब्रशेस होते हैं। तो कई बार क्या होता है कि ये बंडल्स जो हैं एक्टिवेट नहीं होते हैं आपके, बहुत कम आपको हो सकता है कि शुरू में यहाँ पे ब्रशेस देखने को मिलें। तो इन बंडल्स को एक्टिव करने के लिए आपको क्या करना है, सेटिंग में जाके मैनेज रिसोर्स लाइब्रेरीज में जाना है। अब देखिए जैसे मैंने इस बंडल पे क्लिक किया तो नीचे आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है डीएक्टिवेट का। डीएक्टिवेट का मतलब ये है कि ये जो है ब्रश का जो आपका बंडल है ये इस टाइम एक्टिव है, इसके तमाम जो ब्रशेज हैं आपको यहाँ पे शो हो रहे होंगे। उसी तरह से ये एक आपको बंडल दिया गया है, इसके नीचे भी आपको डीएक्टिवेट का ऑप्शन आ रहा है। तो ये तो वो बंडल हैं जो आपके एक्टिव हैं इस टाइम पे। उसी तरह से ये ऊपर देखिए एक बंडल दिया गया है ब्रश का, डिफ़ॉल्ट रिसोर्सेज बंडल, क्रीटा 4 का बंडल है ये। और इसको देखिए यहाँ पर नीचे एक्टिवेट करने का ऑप्शन आ रहा है। जब मैं इसको एक्टिवेट करूँगा तब देखिए यहाँ पर जो है कुछ एक ब्रशेज जो है ऐड हो जाएंगे। उसी तरह से ये ऊपर एक बंडल है, इसको भी एक्टिव करना पड़ेगा यहाँ से। और इस बंडल के अंदर जितने भी ब्रशेज होंगे वो ब्रश प्रीसेट्स में शो होंगे। तो अब देखिए अब जितने भी ब्रश के बंडल्स थे वो मैंने, दो एक्टिव थे इसमें, दो एक्टिव नहीं थे, तो मैंने जो दो एक्टिव नहीं थे उनको भी एक्टिव कर दिया है। और अब काफ़ी सारे ब्रशेज ब्रश प्रीसेट्स में मेरे को देखने को मिलेंगे। अब चलिए अब बात करते हैं कलर हिस्ट्री के बारे में। देखिए जब हम ड्राइंग्स वगैरह करते हैं तो कई बार क्या होता है कि कलर्स की हिस्ट्री जो है वो हमें बहुत हेल्पफुल करती है, हमने पहले कौन सा कलर यूज़ किया है। तो जैसे जैसे मैं अलग अलग कलर्स को यूज़ कर रहा हूँ उसी तरह से यहाँ पे एक कलर्स की हिस्ट्री यहाँ पे जो है वो शो हो रही है मेरे को। और अगर आपको ये कलर हिस्ट्री यहाँ पे एडवांस कलर सिलेक्टर में शो नहीं हो रही है, तो सिंपली ये जो ऑप्शन ये जो दिया गया है आपको, इस पर क्लिक करने के बाद कलर हिस्ट्री जो है इसको ऑन कर लें आप यहाँ से। तो अब इसके बाद जब आप कलर्स वगैरह यूज़ करेंगे इसमें, वो कलर्स की जो है हिस्ट्री आपको यहाँ पे शो होगी, जो आपको आसान कर देगा आपकी ड्राइंग्स में जो आपने प्रीवियस कलर फिल किए हैं उनको सीधा यहाँ से आप डायरेक्ट पिक कर सकते हैं। और अब आपको एक सेटिंग के बारे में बताऊंगा जो आपको बहुत हेल्प कर सकती है
क्रीटा में ड्राइंग करने के लिए ऐड आर रेफरेंस इमेज। तो रेफरेंस इमेज आप क्रीटा में ऐड कर सकते हैं। देखिए आपके पास ये एक विंडो ओपन है। फिलहाल इस विंडो को क्रॉस करने के लिए यहाँ से एक ऑप्शन मेरे को ये दिख रहा है विंडो को क्रॉस करने के लिए। अगर इसको क्रॉस कर दूंगा तो ये टैब जो है क्लोज़ हो जाएगी। लेकिन मैं चाहता हूँ कि इस तरफ जो है या इस तरफ किसी भी तरफ जो है मेरा एक फ़ोटो जिसको मैं एज ए रेफरेंस यूज़ कर सकूँ अपनी शीट पे ड्रॉ करने के लिए। रेफरेंस इमेज ऐड करने की ज़रूरत पड़ेगी, तो वो मैं कैसे कर सकता हूँ? सेटिंग में जा करके कॉन्फ़िगर क्रीटा में, और यहाँ पे विंडोज़ में जाके ये जो टैब्स वाला है इसको सब विंडो के लिए सिलेक्ट कर दें। अब देखिए जो आपका विंडो थी वो आपकी कुछ इस तरह से मिनिमाइज़ हो गई है। इसको आप ड्रैग करके हाफ पोर्शन में आप इसको ड्रैग करके सेट कर सकते हैं क्रीटा में। और उसी के साथ अगर यहाँ पे फाइल में ओपन करेंगे आप तो डेस्कटॉप में देखिए ये, तो ये जो है आपको यहाँ से एक रेफरेंस इमेज जो है ऐड करने का ऑप्शन मिल गया। अब यहाँ से आप रेफरेंस यूज़ करके ड्रॉ कर सकते हैं। आई होप ये सेटिंग्स आपको हेल्प करेंगी क्रीटा में ड्राइंग करने के लिए। और इसी तरह से ड्राइंग सॉफ्टवेयर से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन के लिए डिजिटल ड्राइंग और ट्रेडिशनल ड्राइंग के कॉन्सेप्ट्स को जानने के लिए बने रहें हमारे साथ। और डिस्क्रिप्शन में अपने इंस्टाग्राम का लिंक डाल दूंगा, वहाँ से आप मेरी ट्रेडिशनल ड्राइंग्स पोर्ट्रेट स्केचेस चेक कर सकते हैं।